हेलो फ्रेंड्स, इज इट अ कुक की किचन में आज हम बनाने वाले हैं पोटैटो फिंगर्स। जी हाँ, ये क्रिस्पी पोटैटो फिंगर्स खाने में इतनी टेस्टी लगती हैं कि आप इनको कभी भी प्लान कर सकते हैं। बनाना बहुत ही आसान है और इनको आप एक बार बना लीजिए और लगभग 8 से 10 दिन तक भी फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। जब भी मन करे तो आप फ्रिजर से बाहर निकालिए और इनको डीप फ्राई करके आप सर्व कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। क्रिस्पी पोटैटो फिंगर्स बनाने के लिए 4 बॉइल्ड और ग्रेट किए हुए आलू हैं और हमने यहाँ पर जो आलू लिए हैं इनको थोड़ा सा ठंडा भी कर लिया है। आलू डालने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून ग्रेटेड अदरक और 2 हरी मिर्ची है जिसको हमने फाइन चॉप कर लिया है। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो ग्रीन चिली को आप स्किप कर सकते हैं और ब्लैक पेपर या वाइट पेपर पाउडर का यूज कर सकते हैं। लगभग 1 टीस्पून नमक डालेंगे, 1/2 टीस्पून से भी थोड़ी सी कम लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून अजवाइन, 1 टीस्पून चाट मसाला। इसका मसाला ना हमें थोड़ा सा चटपटा, थोड़ा सा स्पाइसी बनाना है। 1 टीस्पून है ये गार्लिक पाउडर, आप इसकी जगह फ्रेश गार्लिक भी डाल सकते हैं और गार्लिक का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है। लगभग 2 टीस्पून हम इसमें डाल देंगे चिली फ्लेक्स और लगभग 4 टेबलस्पून है कॉर्नफ्लोर। इन सब चीज़ों को अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे और एक डो बना लेंगे। कॉर्नफ्लोर जो हमने इसमें डाला है इसकी वजह से इसमें बहुत अच्छी बाइंडिंग आती है और अगर आपको अपना मिक्सचर बनाते हुए ऐसा लगे कि आपका आलू थोड़ा सा ज़्यादा स्टिकी है या बैटर अच्छी तरीके से नहीं मिक्स हो पा रहा है तो आप इसके अंदर कॉर्नफ्लोर की क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा सकते हैं। ये देखिए, हमने यहाँ पर सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसका एक डो बनकर तैयार हो गया है और इसके ऊपर हम बिल्कुल थोड़ा सा ना ऑयल डाल देंगे। 1 टीस्पून के लगभग हमने इसमें ऑयल डाला है और इसको इसके ऊपर स्प्रेड कर दिया है और स्प्रेड करने के बाद इसको एक साइड रखेंगे और आगे का प्रोसेस करेंगे। हमने लिया है यहाँ पर 6 टेबलस्पून मैदा जिसके अंदर हम लगभग 1/2 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे और पानी डालकर हम इसका एक पतला सा घोल बना लेंगे और पानी आप इसमें धीरे धीरे डालिएगा, एक साथ पानी नहीं डालना है। अगर आप एक साथ पानी डाल देंगे तो इसमें लम्प्स पड़ सकते हैं। तो ये देखिए, धीरे धीरे पानी डालकर हमने इसका एक लम्प फ्री बैटर बनाकर तैयार कर लिया है। इस तरीके का बैटर आपको बनाकर तैयार करना है। तो चलिए अब हम आगे का प्रोसेस करते हैं। थर्ड प्रोसेस में हमने एक बाउल कॉर्नफ्लेक्स लिए हैं, इनको हम मिक्सी में डालकर फाइन पाउडर बना लेंगे। अब हम अपने इस आलू के मिक्सचर में से ना थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन लेंगे इस तरीके से और इसको दबाते हुए हम इसको फिंगर की एक शेप देंगे। ये देखिए, इस तरीके की शेप आपको ये देनी है, इस तरीके की ये फिंगर्स आपको बनाकर तैयार करनी है और इस बैटर से हम ऐसे ही फिंगर्स सारी बना लेंगे। अब हम एक फिंगर लेंगे और उसको जो हमने ये स्लरी बनाई थी इसके अंदर डिप कर देंगे और अच्छी तरीके से इसको चारों तरफ से हम कोट कर देंगे। इसको हम बाहर ऐसे निकालेंगे, जो एक्सिस होगी उसको आप ऐसे कर दीजिए और उसके बाद हम इसको डालेंगे क्रम्स के अंदर। जो हमने कॉर्नफ्लेक्स को पीस के रखा था उसको अच्छी तरीके से इसमें कोट कर देंगे। तो ये देखिए, हमारी फर्स्ट फिंगर ये बनकर तैयार हो गई है। इसी तरीके से हम अपनी सारी फिंगर्स को स्लरी में और फिर कॉर्नफ्लेक्स में कोट कर लेंगे। तो ये देखिए, हमने यहाँ पर पोटैटो फिंगर्स को अच्छी तरीके से कोट कर लिया है और इस स्टेज पर आप इनको लगभग 8 से 10 दिन तक फ्रिजर में डालकर एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं। अब हम इनको लगभग 15 से 20 मिनट तक के लिए फ्रिज में रखेंगे जिससे कि ये अच्छी तरीके से सेट हो जाएं। हमने यहाँ पर ऑयल डाल लिया है कढ़ाई के अंदर और इसको हमने मीडियम गर्म किया है, बहुत ज़्यादा तेज आपको ऑयल गर्म नहीं करना है। और इस स्टेज पर हम इसके अंदर डालेंगे अपनी जो ये हमने पोटैटो फिंगर्स बनाई हैं, ये इसके अंदर डाल देंगे और एक साथ आपको सारी फिंगर्स नहीं डालनी है, बैचेस में आपको इनको फ्राई करना है और डालने के बाद आप इनको एकदम से फ्लिप बिल्कुल मत करिएगा, थोड़ा देर सिक जाने दीजिए, उसके बाद ही आप इनको अलट पलट कीजिएगा। लगभग 2 मिनट हो गए हैं तो अब हम इनको फ्लिप कर लेते हैं। आप देख भी सकते हैं इनके ऊपर कलर कितना अच्छा आया है और कॉर्नफ्लेक्स पे हमने इनको रैप किया हुआ है तो इसमें खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है।
और इसी तरीके से हम इनको अलट पलट करते हुए थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। तो ये देखिए, अलट पलट करते हुए इनको हमने बिल्कुल अच्छे से गोल्डन क्रिस्प ब्राउन कर लिया है। ये देखिए इनका कलर कितना अच्छा आया है। इसी तरीके से आपको ये अपनी सारी फिंगर्स तैयार करनी है। तो ये देखिए, हमारा टी टाइम स्नैक क्रिस्पी पोटैटो फिंगर्स बनकर तैयार हो गया है। अब आप भी बिल्कुल देर मत लगाइएगा, आप भी इसको जल्दी से ट्राई कीजिए और आपको ये कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। साथ ही इसी तो कुक चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।